हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर 2 क्लास 8 के। क्या है चैप्टर? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8 का। तो हम ये चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इक्वेशंस समझने से पहले ये समझ लीजिए कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशंस मतलब हमारे फेस के एक्सप्रेशन नहीं, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, जो भी फॉर्म 5x प्लस 25 है जैसे, तो ये आपका क्या है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, इक्वेशन में आप इक्वेशन से इक्वल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी जहां पे आपको इज इक्वल्स टू का साइन दिख जाए वो क्या होता है, इक्वेशन होता है। जैसे 5x प्लस, या फिर प्लस आप मत लगाइए, यहीं पे अगर हम बोल दें कि 5x इज इक्वल्स टू 25, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन में। ठीक है, मगर ऐसा कब हो, जब आपका ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल्स क्या, यानी ए से जेड तक के हमारे सारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी ए से जेड के बीच में कोई भी वेरिएबल आ जाए, उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी यहां पर दे रखा है आपको, तो ये एक्स के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर यहीं पे 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 होता, तो ये आपका क्या होता, इक्वेशन नहीं होता। और अभी ये क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। अब ये सारे जितने भी क्वेश्चन से आपको किस में दे रखे हैं, इक्वेशन में दे रखे हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा रहे, करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके अभी बताता हूं आपको। तो जैसे ये दे रखा है इज इक्वल्स टू है, तो इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू आपकी कांस्टेंट होती है उसको वेरिएबल से हटा देते हैं, यानी वेरिएबल साइड से हम लोग उसको हटा देते हैं। देखिए दो साइड होते हैं, क्या, LHS और RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अगर हमको वेरिएबल LHS में दे रखा है, तो हम कांस्टेंट को उठाकर RHS में ले जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे 2 प्लस x इज इक्वल टू 25 दे रखा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वेरिएबल किसके साथ, किस साइड दे रखा है, LHS के साइड दे रखा है। अब हम कांस्टेंट को उठाकर किधर ले जाएंगे, RHS के साइड में ले जाएंगे, तो x आपका यहीं पर रहेगा इज इक्वल्स टू के पहले ही, और इज इक्वल्स टू 25 आपका एज इट इज रहेगा। बट शर्त क्या है यहाँ पर, जो आपका कांस्टेंट इज इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सेम इसका वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट किसमें लगेगा, जब कांस्टेंट आपका उधर होगा, या तो फिर आप LHS का RHS साइड ले जाइए कांस्टेंट, या RHS का कांस्टेंट LHS साइड ले आइए। ठीक है, सो हम लोग अब देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। अभी मैंने बताया अगर इज इक्वल्स टू पहले कांस्टेंट इधर है, उसको किधर ले जाएंगे, RHS में ले जाएंगे, तो हम लोग x को एज इट इज रहने देंगे इज इक्वल्स टू 7। अभी ये आपका किसका है, माइनस का है, अभी ये इज इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपको, 9 मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 9 मिल गई। अब इसके बाद बात करते हैं जो दूसरा प्रोसेस है इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसका, कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, माइनस 2 दे रखा है। जब भी आपको माइनस का दे रखा हो, उतनी ही डिजिट आप प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस दे रखा होता तो माइनस कर देते हैं, जैसे आपको यहाँ पे एक्स माइनस 2 दे रखा है, तो आप क्या कर देंगे, एक्स माइनस 2 है इसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी प्लस 2 कर दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग 2 ऐड कर देंगे, अगर हम लोग LHS में ऐड करेंगे तो RHS में भी ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2। अब देखिए x ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो यानी 2 में से 2 गया, कितना बचा आपका, 0, यानी कोई यहां वैल्यू नहीं रहेगी, इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 9। ठीक है, इसमें भी आंसर आपका 9 आया, और इसमें भी आपको जो अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी वही वर्क होना है, y प्लस क्या करना है हमें, 3 इज इक्वल्स टू के उधर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3, बिकॉज 3 आपका प्लस का था, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू
7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या है, 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2। अब हम लोग जेड को आर एच एस पे ही रहने देंगे, 2 उठाकर हम लोग कहां ले आएंगे, एल एच एस में। तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू जेड। माइनस का क्यों, बिकॉज आपका 2 आर एच एस में प्लस का दे रखा था। क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू जेड। आप इसको जेड इज इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं अपने बाकी के, इसमें देखिए क्या डिवाइड में दे रखा है आपको, 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7। हम लोग सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा। हमने इससे पहले बताया था कि आप क्या करेंगे, अगर प्लस का दे रखा है तो माइनस का ले लेंगे, जितनी डिजिट दे रखी है, यानी 3/7 माइनस का ले लेंगे तो ये कट जाएगा। फिलहाल हम लोग दूसरे स्टेप से करते हैं, ठीक है। तो क्या x हम लोग एज इट इज रहने देंगे, 17/7 माइनस 3/7। 3/7 हमने माइनस का क्यों लिया, बिकॉज ये यहाँ पे प्लस का है आपका। तो क्या हो जाएगा, हमारा LCM क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ये 7 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 1 से, यहाँ भी सेम प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा आपका, 17 माइनस 3, तो आपका कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 14/7। अब देखिए आपका 14 7 से कट जाएगा, 7 × 7 7 × 2 = 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आपको यहाँ पर 6x, अगर ऐसे आपका क्वेश्चन लिखकर आता है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है बीच में, तो जब भी मल्टीप्लाई में होगा तो इज इक्वल्स टू के उधर डिवाइड में चला जाएगा हमारा कांस्टेंट। कैसे जाएगा, x इज इक्वल्स टू 12 आपका एज इट इज रहेगा, बट 6 आपका डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 × 1 = 6 एंड 6 × 2 = 12, एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें भी वही प्रोसेस है, इसमें डिवाइड में है तो इसमें किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। t इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, कितना हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 50 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। और इसका एक और प्रोसेस है, कैसे कर सकते हैं, t अपॉन 5 दे रखा है इज इक्वल्स टू 10 दे रखा है। अब देखिए आप 10 के नीचे 1 इमेजिन कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। t का 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, उसके बाद 5 का 10 से होगा तो कितना हो जाएगा, 50। यानी दोनों तरह से आपका आंसर सेम ही आना है, ठीक है। देखते हैं हम लोग रिमेनिंग पार्ट्स क्या है हमारे बचे हुए हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है, 2x/3 इज इक्वल टू 18, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, 2x हम लोग एज इट इज रहने देंगे इज इक्वल्स टू 18। अब 3 आपका डिवाइड में है, आर एच एस में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं, 2x इज इक्वल टू 18 × 3 = 54। उसके बाद x आपका यहीं पर रहेगा, अब आपका 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये यहां पर जाके 54 के साथ डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लाई में है, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन था उसमें शायद बताया था, 5th या 6th में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 एंड 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 27 टाइम्स में कट जाएगा। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 27 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, 1.6 इज इक्वल्स टू y अपॉन 1.5। अब देखिए आप y वहीं पर रहने दिए जहां पर है, 1.6 ये डिवाइड में है, उठकर किस में चला आएगा, मल्टीप्लाई में चला आएगा, इज इक्वल्स टू 5। क्या हो गया, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अब हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 1.5 3358 इंटू, ये 5 × 5 = 38 एंड 6 और ये 1 × 1 कितना हो गया, 1 8 6 14, 1 and 2 कितना आ गया आपका, 2.40। देखिए पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, लगाने को आप लगा सकते हैं, बाकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वाई की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2.4, सिर्फ आप लोग 2.4 लीजिए, ठीक है, ये आपकी वाई की वैल्यू है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और y इज इक्वल्स टू 2.4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 7x - 9 = 16। अब पहले हम लोग 7x को LHS में ही रहने देंगे,
इज इक्वल्स टू 16, अब ये माइनस का है आपका 9, ठीक है, इज इक्वल्स टू के उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल्स टू 7 है, ठीक है, 16 प्लस 9, 16, 4, 20, 25, कितना आ गया आपका 25। एक्स इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए 7 से आपका 25 भी नहीं कटेगा या अदर डिजिट से भी नहीं कटेंगे दोनों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारे रिमेनिंग पार्ट्स क्या है। देखिए 14y-8 इज इक्वल्स टू 13, तो क्या हो जाएगा, 14y आपका एज इट इज रहेगा, माइनस का 8 उठकर किधर चला जाएगा, 13 के साथ चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 13, ये माइनस का था तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो गया, ठीक है। तो 14y इज इक्वल्स टू 13 एंड प्लस 8 कितना हो गया आपका 21, ठीक है। अब देखते हैं आपका क्या हो जाएगा, वाई एज इट इज रहेगा, समझ में आई बात, यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई के साथ है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 21 डिवाइडेड बाय 14। अब देखिए आपका 14 भी कट सकता है और 21 भी कट सकता है, किससे कटेगा, 7 से काट के देखते हैं, 7 2 14 एंड 7 3 21, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, y इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2, y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3/2 मिल गई, ठीक है। देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 11, 17 + 6p इज इक्वल्स टू 9। अब हम लोग 6p को यहीं पर रहने देंगे, 6p इज इक्वल्स टू 9, अब आपका 17 किसका है, प्लस का है, तो प्लस का इज इक्वल्स टू के साइड दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 6p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 में से 17 गया, कितना हो गया, माइनस 17 गया, कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, ठीक है। अब p आपका एज इट इज रहेगा, 6 मल्टीप्लाई में है p के साथ, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, एंड ये दोनों भी कट सकते हैं, किससे कटेंगे, 2 4 8 एंड 2 3 6, कितना आ गया आपका, p इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने 12th और लास्ट क्वेश्चन की, क्या है इसमें देखते हैं, x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7/15, इसमें क्या करना है देखते हैं, इसमें हम लोग 1 को उठाकर इज इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड ले जाएंगे, तो x/3 आप एज इट इज रहने दीजिए, इज इक्वल्स टू 7/15, ये प्लस का है, ये आके यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 1 हो गया। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, यानी 15 और इसके नीचे 1 इमेजिन करके 15 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 15 और 1 का एलसीएम लेने पर 15 ही आएगा, 3 5 15 एंड 5 1 5, 3 × 5 आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो x/3 इज इक्वल्स टू एलसीएम हम लोगों ने क्या ले लिया, 15, अब 15 को 15 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 1 सही होगा, अब 1 से 15 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो 7 आ जाएगा ऊपर आपका एंड माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x/3 इज इक्वल्स टू 7 - 15 कितना हो जाएगा, -8/15, ठीक है। अब आपका 3 डिवाइड में है और इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मीन्स एक्स का 15 से और -8 का 3 से, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को इज इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड ले जाएंगे, एक्स आपका एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू -8/15 × 3, तो आपका 3 1 3 एंड 3 5 15, 5 से आपका 15 कट गया, यानी 3 से 5 टाइम्स में 15 कट गया, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल्स टू -8/5, ठीक है, 5। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके करना चाहते हैं तो कर लेंगे, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। सो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।